हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका एचएम शेफ सिनेना में। आज मैं आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ जिसका नाम है एग्जीक्यूटिव शेफ कैसे बना जाता है और ये क्या होते हैं और इनकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। आज हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे। आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए ताकि आपको पता चले ये बात सच है कि एग्जीक्यूटिव शेफ बनना इतना आसान नहीं है। हजारों में से एक होते हैं जो एग्जीक्यूटिव शेफ बन पाते हैं, क्योंकि ये बनना ज़्यादा आसान नहीं है और इसमें हार्ड वर्किंग होता है और पूरे होटल की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है और पूरे होटल को कैसे चलाना होता है, तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है इनकी। और चलिए मैं आपको बताती हूँ, एग्जीक्यूटिव शेफ को HOD भी कहा जाता है। HOD मीन्स हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एग्जीक्यूटिव शेफ का पहला काम क्या होता है, वो किचन डिपार्टमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कूमी, CDP, DCP, सूस शेफ और CDC, इन सबको ये रिप्रेजेंट करते हैं। पहला एग्जीक्यूटिव शेफ का काम होता है कि अपनी जो टीम को है एक साथ लेके चले, टीम वर्क, और उनको क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उनको देते हैं वो, जैसे CDP का क्या काम है, कूमी का क्या काम है, तो ये सब उनको बताया जाता है और अपनी किचन का देखा जाता है, चाहे वो कलनरी की हो चाहे वो किचन डिपार्टमेंट के एग्जीक्यूटिव शेफ हो, वो देखते हैं कि क्या किचन में कुछ गड़बड़ तो नहीं चल रही, जैसे किसी की लड़ाई झगड़ा नहीं चल रहा है, या फिर किचन में जो काम हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है, या कोई कमी तो नहीं है। और जो भी उनका ये सब काम होता है, जो भी फूड या रेसिपी जो बनाते हैं शेफ और जो आगे जाता है गेस्ट के पास, तो वो पहले टेस्ट करते हैं, क्योंकि वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। वो टेस्ट करके देखते हैं कि क्या ये खाना ठीक है या नहीं, क्या जो भी इसमें टेस्ट है वो प्रॉपर है या नहीं। अगर कुछ कमी होती है वो उनको ठीक करवाते हैं कि ये गलत है, इसको दोबारा से ठीक करिए। अगर बिना टेस्ट करे हुए अगर आगे चला जाता है और किसी गेस्ट ने कंप्लेंट कर दी, तो वो भी जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव शेफ पर आती है, क्योंकि फिर उनसे पूछा जाता है कि ये आगे आपके बिना टेस्ट के बिना कैसे पहुँचा, तो वो ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। बाकी जो नेक्स्ट है, जैसे एग्जीक्यूटिव शेफ का काम होता है जैसे मीटिंग करना, जैसे CDP को बुलाना, DCP को बुलाना, सूस शेफ को बुलाना, कोई इम्पोर्टेंट काम है जो वो एक नए प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो पहले सूस शेफ को और CDP और DCP इनको बुलाते हैं और उनके साथ मीटिंग करते हैं और फिर बोलते हैं आज मैं होटल्स में ये करने जा रहा हूँ और ये तुम्हें करना है, करवाते हैं और वो बताते हैं कि आज ये नया स्टार्ट करना है जिससे हमारे होटल में ग्रोथ होए। तो फिर वो क्या करते हैं, वो अपने कौमी शेफ या ट्रेनी को बताते हैं। एग्जीक्यूटिव शेफ का जो काम होता है वो HR से भी कॉन्टैक्ट होता है, जैसे कोऑर्डिनेट करते हैं HR से कि कौन सा नया शेफ आया है, कौन सा ट्रेनी आया है, तो ये सारा काम भी एग्जीक्यूटिव शेफ का होता है। एग्जीक्यूटिव शेफ जो है GM से भी मीटिंग होती है उनकी, वो GM को बताते हैं कि मैंने ये सोचा है होटल के बारे में, इसको नया चलाने के लिए, ताकि हमारा होटल में ज़्यादा ग्रोथ होए और ज़्यादा हमारा जो है बजट में आए। और एग्जीक्यूटिव शेफ का ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि जो भी का सामान आ रहा है, चाहे वेजिटेबल्स होए, फ्रूट्स होए, या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट जो हमारे किचन में इस्तेमाल होते हैं, वो उनका देखना होता है कि अच्छे ब्रांड का आ रहा है और कम बचत में हो, जैसे बचत भी हो और ब्रांड का भी हो, तो ये सब भी उनका देखने का होता है कि अच्छा होए और बजट में होए। और वो खाना भी, जैसे कोई भी रेसिपी वगैरह कोई लॉन्च कर रहे हैं नई, जो उनके मन में आ रही है कि हाँ ये होनी चाहिए, इससे हमारा होटल जो है अच्छा चलेगा, तो वो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। नई नई लॉन्च करते हैं, कोई भी आइटम्स लॉन्च करते हैं, लॉन्च करने से पहले वो पहले खुद ट्राई करते हैं, फिर अपने जो है जूनियर शेफ को बताते हैं। जूनियर शेफ मीन जैसे सूस शेफ हो गए, CDC हो गए, इन सबको बताते हैं कि ये लॉन्च करना है और एक बार इसको ट्राई कीजिए, फिर उनको बताते हैं इसकी क्या रेसिपी है, और फिर एक बार वो GM को चेक करवाते हैं। GM को चेक करने के बाद जब वो पास हो जाता है, फिर वो होटल में उस डिश को रखा जाता है। अब बात करते हैं ऐसे बुफे, बुफे में जितनी भी रेसिपी लगी होती है, जितना भी मेन्यू लगता है, चाहे वो अला कार्ट का हो चाहे वो बुफे का हो, वो भी जो एग्जीक्यूटिव शेफ है चेक करते हैं क्या इसकी क्वालिटीज ठीक है, क्या बना ठीक है, परफेक्ट है, जो इसका टेस्ट है जिस रेसिपी का क्या वो प्रॉपर है, तो ये भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है। और वो देखते रहते हैं कि हमारे होटल में कोई कमी तो नहीं आ रही, किसी चीज़ की कमी तो नहीं आ रही, कोई
ज़्यादा वेस्टिंग तो नहीं हो रही, क्या कोई शेफ जो है चीज़ को ज़्यादा वेस्ट तो नहीं कर रहा। तो ये सारा जो है वो एग्जीक्यूटिव शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है और पूरे होटल की चलाने की उनकी जिम्मेदारी होती है कि एक होटल को कैसा चलाया जाए और एक होटल में कैसा ग्रोथ लाया जाए। तो आई होप आपको पता चल गया होगा एग्जीक्यूटिव शेफ की कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, पूरे होटल को चलाना बड़ा मुश्किल है। तो थैंक यू सो मच मेरी पूरी वीडियो को देखने के लिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर आपको जरूर दूंगी। और अब हम मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए नमस्कार, सत श्री अकाल एंड बाय बाय, टेक केयर।